आखिर क्यों लोग उत्सुक है भारतीय सिनेमा के पहले सुपरहीरो क्रिश को दोबारा देखने के लिए? ऐसा क्या है क्रिश 4 में जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। क्रिश भारतीय सिनेमा की पहली सुपरहीरो कहानी है। इसमें ऋतिक को क्रिश नाम के एक सुपरहीरो के रूप में दिखाया गया है जो मस्कुलर था, जो मास्क और केप लगाकर उड़ सकता था और तो और एरोप्लेन को भी रोक सकता था। ऐसे सुपरहीरो की कहानी बच्चों को बेहद पसंद आती है और इसीलिए बच्चों में क्रिश के लिए एक अलग ही क्रेज देखा गया है। क्रिश में ऋतिक को एक सुपरहीरो के रूप में दिखाया गया है जिन्हें विलेन के बारे में पता चलता है। वो विलन बेहद खौफनाक और डरावना होता है और वो क्रिश के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है। विलन इतना खौफनाक होता है कि ऐसा लगता है कि मानो क्रिश का विलन को हरा पाना नामुमकिन है। दर्शकों के मन में ये सवाल आ जाते हैं कि क्या क्रिश विलन को हरा भी पाएगा और अगर हराएगा भी तो कैसे। इस चीज की क्यूरोसिटी इतनी बढ़ जाती है सबके मन में कि जब उन्हें समझ आता है कि कैसे क्रिश ने अपने दिमाग और ताकत से विलेन को हराया, तब तक क्रिश अपनी सुपर पावर्स की मदद से विलेन का खात्मा कर देता है। क्रिश को जीतता देख लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत याद आ जाती है। चाहे कुछ भी हो, युद्ध भूमि में तो जीत हमेशा सत्य और अच्छाई की ही होती है और छल कपट करने वाले का तो नाश संभव है। फिल्म में ये होता देख दर्शक न केवल खुश होते हैं बल्कि अपने सुपरहीरो के जज्बे और ताकत की प्रशंसा भी करते हैं। क्रिश एक और वजह से भी मशहूर है और वो ये है कि इसमें क्रिश लोगों के लिए काफी अच्छाई करते दिखता है। एक तरह से वो फिल्म में किसी बच्चे को गिरने से बचाकर या किसी को बड़े एक्सीडेंट से बचाकर समाज सेवा करते दिखता है। दर्शकों को प्रसन्नता होती है कि उनका सुपरहीरो इतना अच्छा और होनहार है। क्रिश में ज्यादातर सीन साइंस से रिलेटेड थे, साइंटिफिक चीजों के रेफरेंस दिए जाते हैं फिल्म में। फिल्म में मेडिकल साइंस की भी बात दिखाई और बताई गई है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखने में काफी मजेदार और दिलचस्प लगते हैं स्टूडेंट्स को भी। यही कारण है कि क्रिश के इतने लोग दीवाने हैं और इस फिल्म के पीछे पागल हुए पड़े हैं। तो आखिर क्या लगता है आपको, क्या क्रिश 4 के लिए भी दर्शकों में वही जोश दिखेगा जो क्रिश की पहली फिल्मों के लिए देखा गया है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है संस्कृति जलान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।